Hello friends, welcome to my channel. I am Kunal and you are watching Kunal Blogs. Friends, ये जामनगर सीरीज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा रिलायंस पेट्रोलियम और इसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्वामी नारायण टेम्पल, यहाँ के आसपास के स्ट्रीट शॉप्स, रोजी पोर्ट और लखोटा लेक। तो अभी मैं तैयार हो रहा हूँ रिलायंस पेट्रोलियम जाने के लिए, जो जामनगर मेन सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ जाने में मुझे लगेगा कम से कम आधे घंटे। तो फ्रेंड्स, रिलायंस पेट्रोलियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सबसे पहले जो आइडिया आया था धीरू भाई अंबानी जी के दिमाग में, वो 1996 में आया था और तब से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये कमीशन्ड हुआ जाके 14 जुलाई 1999 में यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया। अभी जो सन डायरेक्शन है वो मेरे जस्ट अपोजिट है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसका जो प्रेजेंट कैपेसिटी है, जबकि इसका सेकेंड यूनिट 2008 में भी स्टार्ट हो गया, तो इसकी कैपेसिटी है 1,240,000 बैरल पर डे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली रिफाइनरी है एक जगह पे। तो मैं पहुंच गया हूँ रिलायंस रिफाइनरी में और ये आप गेट देख रहे हैं इसका। इसका मैं डे और नाइट व्यू भी आपको दिखाऊंगा कि कंपनी अंदर से दिन और रात में कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं धीरू भाई अंबानी जी के फोटो के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी लिखा हुआ है और इसके जस्ट अपोजिट में जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। तो अभी देखते हैं कंपनी, और ये एक रिलायंस की बस भी है, तो अभी देखते हैं कंपनी दिन में कैसी दिखाई देती है। तो ये है फ्रेंड्स, जो अंदर से कंपनी का साइट है वो इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ ऑयल इंपोर्ट होने का सबसे ईजीएस्ट वे है सी के थ्रू। यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है और यहाँ पे रिफाइन होके फिर बाय रोड या बाय सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स, रात में ये रिलायंस पेट्रोलियम की कंपनी इस तरह की दिखाई देती है, जो काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ये जो कंपनी है वो 36 महीने से कम टाइम में ही बन के तैयार हो गई थी और यहाँ पे एक छोटा सा साइक्लोन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ था, लेकिन बाद में सब ओवरकम हो गया और हैप्पीली ये कंपनी शुरू हो गई। तो मैंने बताया था कि इसके जस्ट अपोजिट में सामने की तरफ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि चूँकि ये जामनगर सिटी से थोड़ा सा दूर है और सारी अच्छी फैसिलिटीज़ जो होती हैं शॉपिंग की या मूवीज़ या रोमिंग अराउंड, तो ये सारी वहाँ पे इतने अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं हो सकती थी, लेकिन रिलायंस ने उसको अवेलेबल कराया वहाँ पे। और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो हर चीज़ है, जैसे कि ये रिलायंस स्मार्ट, यहाँ पे रिलायंस के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और चाहे डिजिटल हो या ट्रेंड्स या और भी बाकी रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी आइटम भी। इसी के जस्ट बगल में एक रिलायंस का फूड कोर्ट भी है और सेम इसी कॉम्प्लेक्स में इसका मूवी थिएटर भी है रिलायंस का ही। यहाँ पे एक इनका ज्वेलरी शॉप भी है, तो इसको काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है और डेकोरेट किया हुआ है। इस गांव का नाम मोती खावड़ी बोलते हैं, जो पहले रिलायंस से था अभी भी इसको मोती खावड़ी बुलाते हैं। यहाँ पर रिलायंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे जो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बने हुए हैं। फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ स्वामी नारायण टेम्पल में, जो जामनगर सिटी से बिल्कुल लगा हुआ है। स्वामी नारायण टेम्पल जो है वो भगवान स्वामी नारायण का है, जिनका कार्यकाल 1781 से 1830 के बीच माना जाता है। 1907 में एक संस्था बनी थी BAPS करके, जो अभी मेंटेन करती है स्वामी नारायण संस्थान के लगभग 3300 मंदिर को। ऑल अराउंड 3300 टेम्पल्स हैं अभी, और ये फैले हुए हैं इंडिया के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में भी। तो जो स्वामी नारायण जी थे उनका नाम सहजानंद जी भी बोला जाता था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं स्वामी नारायण टेम्पल और यहां से आप देख सकते हैं जो सबसे मेन अट्रैक्शन है किसी भी स्वामी नारायण टेम्पल का, वो होता है इसका कंस्ट्रक्शन, क्लीनलीनेस और ग्रीनरी। तो आप देखेंगे कि अभी जैसे ये बिल्डिंग दिखाई देगी, जैसे ये मंदिर दिखाई देगा सामने की तरफ आपको, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है और किसी भी स्वामीनारायण मंदिर में वर्ल्ड वाइड आप चले जाइए, आपको ऐसा ही सुंदर, बढ़िया और भव्य सा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और साफ सफाई तो है ही, प्लस में ग्रीनरी और उठने बैठने का भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रहता है। तो अभी मैं आपको जो टेम्पल के इनसाइड लेके जाके भी दिखाऊंगा कि ये कंस्ट्रक्शन में ऐसी क्या खास बात है जिससे ये इतना फेमस होता है इसकी वजह से। तो जो स्वामी नारायण संस्थान है उसने स्वामी नारायण मंदिर को पूरी दुनिया में फैलाया और
सबसे मेन बात है इस संस्थान की कि जो ह्यूमैनिटेरियन ऐड होता है इंसानी मदद में भी इसने रेड क्रॉस सोसाइटी की तरह बहुत ही अच्छा काम किया। और 1950 में जब ये ह्यूमैनिटेरियन ऐड का विंग इसका एग्जिस्ट किया उसके बाद से काफ़ी नाम कमाया है इस क्षेत्र में इसने। तो अभी हम आगे देखेंगे इंटरनल कंस्ट्रक्शन इस मंदिर का कैसा है और भगवान कहाँ पे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो स्वामी नारायण थे उनका बचपन का नाम सहजानंद जी था और वो एक योगी थे जिन्होंने समाज में अच्छा संदेश दिया और उन्हीं के संस्थान के नाम पर ये स्वामी नारायण संस्थान है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन और देखते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है। प्राणाम छे ज्येष्ठ भ्रात ने इच्छा राम ने। तो ये पिलर्स और गेट टाइप के जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में देखने में काफी सुंदर और भव्य है। कलर कॉम्बिनेशन भी है जो वो काफी अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन और अभी आप देख सकते हैं बाहर से कितना स्पेशियस है ये और जस्ट हाईवे के बगल में है तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव और नाइस प्लेस है। सनसेट का टाइम है तो नाइस सनसेट व्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा स्वामीनारायण टेम्पल और इसके बाद मैं जाऊँगा रोजी पोर्ट पर, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मैं यहाँ पर रुकने से रुक नहीं पाया क्योंकि जो लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रीट शॉप्स दिख रहे हैं वहाँ पे मिट्टी के बहुत ही अच्छे बर्तन तो हैं ही, साथ में घर में सजाने के लिए अच्छे साजो सामान भी दिखा मुझे। तो मैं यहाँ पे रुका और बहुत सारी चीज़ें ली अपने लिए। तो आप भी कभी अगर जामनगर आओ और जो जामनगर के लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पे आएँ और इन सब चीज़ों को ख़रीदें। ये कारीगर अपने हाथों की मेहनत से और आर्ट से इन सब चीज़ों को बनाते हैं और सबसे जो मेन चीज़ है जो उस पर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी फ्लोरोसेंट नेचर का है जो चमकता है। तो घर में सजावट के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है और यहाँ से मैंने तो बहुत सारा आइटम लिया। आप भी कभी आओ तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करो और जो हाथों की कारीगरी है वो लेके घर जाओ। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ रोजी पोर्ट पर। तो रोजी पोर्ट के बारे में आपको अब बताऊं तो रोजी पोर्ट जो है जामनगर रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और मेनली जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक पोर्ट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, वेसल्स यहाँ पे लोड होते हैं। जामनगर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन भी होता है। तो जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है उन सब चीज़ों में है बॉक्साइट, सोया एक्सट्रैक्ट और ग्राउंड नट्स जो यहाँ से हम फॉरेन कंट्रीज़ को बेचते हैं। और जो फर्दर बाकी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों में है कोल, फर्टिलाइज़र्स और डेफिनेटली क्रूड ऑयल। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। तो ये एक अच्छा जगह है, शाम के टाइम में भी यहाँ पे लोग आते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम। तो अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है लखोटा लेक। जामनगर सिटी के बिल्कुल ही हर्ट में स्थित ये लखोटा लेक का ये गेट नंबर 4 है। लखोटा लेक को का दूसरा नाम रनमल लेक भी है और जो सामने की तरफ बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो लखोटा फोर्ट है। लखोटा लेक में एक फोर्ट भी है। तो सबसे पहले जो ये आइडिया आया था वो इसको बनाया था किंग ऑफ नवानगर जो हुआ करते थे उस टाइम उन्होंने। और सबसे पहले ये वाटर रिजर्वायर की तरह यूज़ किया जाता था, मतलब वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। बाद में उन्होंने इसमें अपना महल भी बना लिया था, चारों तरफ से ये सिक्योर हो गया था। और यहाँ पे जो सबसे मेन आज के डेट में अट्रैक्शन है वो यह है कि जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है एज ए टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाने के लिए। और मोर देन 75 टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती हैं, आती जाती रहती हैं। जो फॉरेनर बर्ड्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि बगल में खिजादिया बर्ड सेंचुरी है तो वहाँ से भी काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आती है बिकॉज ऑफ वाटर स्टोरेज। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो फ्रेंड्स
अभी आपने देखा जामनगर के कुछ और प्लेसेस। जो जामनगर का फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो था वो भी काफ़ी फेमस रहा और करीब 5000 लाइक्स मिले हैं। तो मैं आपसे ज़रूर ये आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें कुनाल ब्लॉग्स चैनल को। इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल एंड ट्रैवल वीडियोज़ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।